जानती हो एक दिन क्या हुआ? कि वो ना झाड़ू ले आए, मैं तो झाड़ू पार्थ मामा ऐसे कैसे? ओफो, तुम मेरी बात सुनो ना, मैं झाड़ू देखते ही समझ गई कि वो कोई लोकल झाड़ू है। मैंने तो उनसे कह दिया इसे वापस करके कोई इम्पोर्टेड झाड़ू लेकर आइए। की बोल चुकी सुधा, चंदू का पापा मान गया? अरे मानते नहीं तो क्या करते, मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर झाड़ू आएगी तो इम्पोर्टेड, तभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। हमारे मायके में तो कोई भी लोकल चीज यूज करने का रिवाज ही नहीं है। हम ज्वेलरी तो क्या, छोटी मोटी चीजें भी महंगी ही खरीदते हैं। अब तुम चंदू का बैग ही ले लो, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितने का होगा। पूरे 2500 का है। एक्चुअली में बात क्या है कि ज्यादा टाका का बैग होना बहुत बड़ा बात नहीं है, बैग के भीतरे कितना ज्ञान है ये ज्यादा वैल्यू वाला बात है ना? हाँ, वो बात तो तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए तो मैं चंदू को सबसे महंगी क्रिकेट कोचिंग क्लास में भेज रही हूँ। आंटी, उसे क्रिकेट कोचिंग के लिए नहीं, कोई अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजिए जहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होती होगी, नहीं तो आज के टेस्ट की तरह हमेशा फेल होते जाएगा। अरे बाबा, आज तुम्हारा टेस्ट था? हाँ माँ, सरप्राइज टेस्ट, मुझे 18/20 मिले। वाह लकी सोना, खूब दारुण काम किया। ये क्या कह रही हो तुम? कि दारू? अरे सुधा, दारू नहीं भालो। पाठो, चंदू को कितना मिला? 0। हाँ माँ, उसने पेपर में क्या लिखा था पता है? सॉरी टीचर, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। पूरे संसार का सोना चांदी, हमारा हीरा क्या थी? कुछ नहीं है, हमारा पास तो हीरा है हीरा। चलो बाबा, आज तुमको आइसक्रीम खिलाएगा। हाँ, कौन सी वाली? अब जो तुम बोलो वो वाला। आज तो तुमने अपने माँ का नाम उज्जवल किया है। सुधा, एक्चुअली में बच्चा का फेल होना माँ का फेल होना होता है। क्यों? ये बन गया वर्ड एनिमी। मैं नहीं खेलती, जाओ। क्यों? क्या हो गया संजीत, तुम्हें एक भी अच्छा वर्ड नहीं बनाया अब तक? फाइट, एनिमी, वॉर, फेल, तुम्हारी डिक्शनरी में कोई अच्छी वर्ड नहीं है क्या? तुम्हें बुरा लगा? नो संजू, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। किस बात के लिए? क्योंकि मेरे दो दोस्तों में झगड़ा हो गया। तो उसमें कौन सी नई बात है, तुम लोग हमेशा ही तो झगड़ा करते रहते हो। हम लोग? हाँ, मुझे सब पता है, करुणा ने मुझे सब बता दिया। आने दो उसे। फिर से झगड़े की बात? सॉरी, अब नहीं करूंगा। संजना, आज जो उन दोनों में हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। डोंट वरी संजू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा? सिंपल, हम दोनों को यहाँ बुला लेंगे और दोस्ती करवा देंगे। आइडिया तो बहुत अच्छी है, पर वो लोग मानेंगे? तुम्हें उन्हें मनाना नहीं आता क्या? कौन मैं? मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। That's great. आज तूने लोगों के सामने मेरी नाक कटा के रख दी। मैंने क्या किया? किसी का तो रोना है। आज अगर तूने क्लास टेस्ट में कुछ करके दिखाया होता तो उस मुनमुन की बच्ची की इतनी हिम्मत होती जो मुझे इतना कुछ सुना देती? तो आप अपने कान बंद कर लेती ना। कान खोलकर सुन ले, अब से तू सुबह शाम सिर्फ पढ़ाई करेगा, और सिर्फ पढ़ाई। लेकिन मम्मी, फिर मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा? बकवास मत कर, ये जो तेरे बैट और ये बल्ले है ना, मैंने जला दूंगी। तुझे किसी भी हाल में पार्थो से आगे निकलना है, समझे? और मम्मी, ये इम्पॉसिबल है। बकवास मत कर, कुछ इम्पॉसिबल भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुझे मार मार के ना चपाती बना दूंगी। पता है मुझे फोन बज रहा है। हेलो। हेलो आंटी, चंदू है? क्यों? आंटी, एक्चुअली मैं और संजना है ना, दीपो अंकल के घर में खेल रहे हैं, तो हम लोग चाहते थे कि चंदू भी हमारे साथ खेले। वहाँ पर पार्थो भी आ रहा है क्या? आ रहा है। तो फिर चंदू वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि चंदू ऐसे किसी भी जगह पर नहीं जाएगा जहाँ पर पार्थो आ रहा है। वैसे भी वो इस वक्त पढ़ाई कर रहा है। क्या हुआ, वो आ रहा है? नहीं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। उड़ी बाबा, फोन का घंटी भी बज गया।
ठीक है ना बाबा। हेलो हेलो आंटी, मैं पार्थो से बात कर सकता हूँ? कर सकता है। थैंक यू आंटी। लेकिन सुनो, पार्थो तुमसे बात नहीं कर सकता। आंटी संजू बाबा, पार्थो का जो मुंह है ना, वो पूरा आइसक्रीम से भरा है, समझा? अच्छा सुनो, हम स्पीकर ऑन करता है, तुमको जो बोलने का है तुम बोल दो, ठीक है? हेलो पार्थो, संजू यो। वो बोलो। पता नहीं पार्थो, चंदू की मम्मी को क्या हो गया? वो चंदू को अपने घर से बाहर नहीं जाने दे रही। मुझे लगता है कि वो तुझसे भी गुस्सा है। वो चंदू को तुझसे मिलने भी नहीं दे रही। तो क्या, मैं और संजय ना चंदू के घर जाने की सोच रहे हैं, तू भी वहाँ आ जा। उसके मम्मी को मना कर चंदू को वैसे ले आएंगे। की बोल चुकी संजू? ए सुनो, ये सुधा ना अपना चंदू से हमारा पार्थो को मिलने नहीं देना देता है, है ना? तो ठीक है, हमारा पार्थो भी उसका चंदू से नहीं मिलेगा, समझा? नहीं मिलेगा। पार्थो के मम्मी ने भी मना कर दिया। ओ माय गॉड, लगता है उन दोनों की फाइट उनकी मम्मियों के वॉर में बदल गई है। ओ माय गॉड, तुझे क्या हुआ अभी? कुछ नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आया। ये है चिड़िया, नहीं उससे भी बड़ा लेंज, नहीं उससे भी बड़ा, ये है जुमरू सुपरमैन। हे सुपरमैन, सुपरमैन मैं हूँ, जुमरू सुपरमैन, सुपरमैन सुपरमैन मैं हूँ, जुमरू। अब आपको क्या समझते हो? मैं लौटाने आता जो शहर का अमन और चैन, मैं हूँ वो महान जुमरू सुपरमैन। बहुत हो गई है तुम्हारी बकवास, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो और किसने कहा तुम्हें करने के लिए? तुम्ही ने तो कहा था। मैंने कहा था? कब कहा था? क्यों, तुमने नहीं कहा था कॉमिक्स पढ़ो? हाँ तो, और तुमने ही ये नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए नए कपड़े नहीं बना सकते? तो इससे क्या हुआ? तो इससे मैंने अपने लिए ये कपड़े बनाए। क्यों, लग रहा हूँ ना मैं इसमें एकदम हीरो? एकदम जीरो। जुमरू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अगर लोग तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जुमरू सुपरमैन। अरे पागल समझेंगे तुम्हें। लेकिन संजू, कॉमिक में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा, पता है सुपरमैन को लोग अपना सुपर हीरो समझते थे। प्लीज तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, और तुमने मेरे कमरे की क्या हालत बना कर रखी है, तुम कभी सुपरमैन नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास उसके तरह पावर्स नहीं है। तुम मेरे पावर्स देखना चाहते हो ना, तो ये देखो, जुमरू सुपरमैन, जुमरू सुपरमैन। देखा, सब अपनी जगह पर चला गया। पर तुमने किया कैसे? अपने सुपर पावर से। अब बताओ है कि नहीं मुझ में पावर्स? रियली इस मैजिक पेंसिल का सही इस्तेमाल तो तुम ही कर रहे हो जुमरू। जुमरू? जुमरू नहीं, जुमरू सुपरमैन। अरे बाबा, पार्थो, ए पार्थो, पार्थो बाबा, उठो 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 उठो। अभी तो नींद लग गई थी, सोने में लग गया। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे माँ, अब तो मुझे खाना भी पकाना पड़ेगा। नहीं शोना, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तुम ये देखो, डिन 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 डिन, आहा, और 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 ये सब कपड़े माँ, अब पता चलेगा चंदू की माँ को क्या सोचता है, हम अपना शोना को अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकता। और सोना, तुम्हें बात सुनो, हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाया है, ठीक है? हम रात में खाएगा। तुम्हें कपड़ा देखो, हम अभी आता है। ओरे बाबा, कहीं मैं चंदू से जीत कर गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं कौन होगा, और मम्मी ने भी ना जबरदस्ती सब कपड़े पहना दिए, अब पता नहीं कौन है क्या सोचेगा। मुझे देखो, हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे कपड़े सच में पढ़ दो, बिल्कुल जोकर लग रहे हो। स्टॉप
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।